अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सहरिश और होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फेस प्राइमर। तो जैसा मैंने पहले बोला था, क्या आपके पास प्राइमर है? और अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर आपके पास प्राइमर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? तो चले आइए डिस्कस कर लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी जनाब, व्हाट इज़ प्राइमर? तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताने आई कि प्राइमर क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है, आई नो वेरी वेल कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप प्राइमर लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे भाई? हम क्यों लगाएं? हम क्यों लगाएं प्राइमर? हम बेस भी लगाएं, हम फाउंडेशन भी लगाएं, हम कंटूर भी करें, हम कंसीलर भी लगाएं, हम अब प्राइमर क्यों लगाएं भाई? तो प्राइमर इसलिए लगाएं क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपकी स्किन पे ओपन पोर्स हैं जो कि मोस्टली लोगों के होते हैं, तो प्राइमर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो फाउंडेशन आप अप्लाई कर रहे हैं ये डायरेक्ट आपकी पोर से अंदर जाएगा और वहाँ जाके रुक जाएगा, और उसके बाद आपके फेस के ऊपर बड़े खूबसूरत से फूल, चांद, सितारे बाहर आ जाएंगे, एक्नी, एंड फिर उसके बाद एक्नी स्कार्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ लगे तो प्राइमर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीनेजर हैं और आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो आपको प्राइमर की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो आप प्राइमर ना अप्लाई करें। अच्छा जी, तो प्राइमर होता क्या है? प्राइमर ये होता है कि प्राइमर आपके पोर्स के ऊपर एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से जो आपका फाउंडेशन है, आप कंटूर कर रहे हैं, आप कंसीलर लगा रहे हैं, वट एवर, वो आपकी फेस, आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएगा। आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बन जाएगी जिसे वो वहीं पर रोक देगा और आपकी स्किन को स्मूथ शो करेगा, जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इफ़ यू वांट टू बाय अ बेस्ट प्राइमर, तो अब कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट होना चाहिए आपके प्राइमर में जिसे आप देख के कहें कि नहीं, ये वाला प्राइमर जो है ये बेस्ट है और ये वाकई प्राइमर है। मेरे पास प्राइमर इस टाइम मौजूद हैं 3 टाइप्स के मेरे पास प्राइमर हैं। फर्स्ट जो है मेबेलिन का प्राइमर है, द बेबी स्किन, द बेबी स्किन नहीं, न्यू बेबी स्किन, न्यू बेबी स्किन। और दूसरे वाला जो है ये है द पोर फैशनल, और ये है बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का, और ये जो है द बेस्ट प्राइमर समझा जाता है इसको। और ये वाला जो है लास्ट पे मैक्स फैक्टर का एल्यूमिनेटिंग एंड हाइड्रेटिंग प्राइमर। तो इस टाइम मेरे पास ये 3 प्राइमर है, और इंग्रेडिएंट है उससे बोलते हैं डायमेथिकॉन। इसके ऊपर भी ये वाला इंग्रेडिएंट मौजूद है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो इसके ऊपर भी ये वाला इंग्रेडिएंट मौजूद है, इधर लिखा हुआ। तो मैं कोशिश करूँगी कि कॉर्नर में इधर पिक्चर जो है वो लगा दूँ तीनों इनकी। और ये लास्ट पे जो है प्रोफेशनल जो है, इसका भी ये वाला इंग्रेडिएंट इधर लिखा हुआ है, डायमेथिकॉन ये। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमर की। तो सबसे पहले जो प्राइमर होते हैं वो है, होता है वाटर बेस्ड प्राइमर। और वाटर बेस्ड प्राइमर जो होते हैं वो बहुत लिक्विडी होते हैं, और एक्नी प्रॉन स्किन जिन गर्ल्स की होती है वो भी इनको यूज़ कर सकती हैं, एंड दे आर सुपर मॉइस्चराइजिंग और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 2, ऑयल बेस्ड प्राइमर। और ऑयल बेस्ड प्राइमर इतनी गर्मी में भी यूज़ करना पड़ते हैं, क्योंकि मेकअप तो हम लड़कियों ने करना है, सर्दी हो या गर्मी हो। तो वो क्यों यूज़ किया जाए? तो मोस्टली जो ऑयल बेस्ड प्राइमर होते हैं वो होते हैं उन लड़कियों के लिए जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है, और स्पेशली इन विंटर्स, तो ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा रेडियंट और बहुत ज़्यादा ग्लोई बनाते हैं। और आफ्टर मेकअप जब आप फाउंडेशन वगैरह अप्लाई कर लेते हैं तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका मेकअप बहुत अच्छे से जो है ये आपके मेकअप में मेल्ट हो जाते हैं, और आपके मेकअप और आपकी बेस को बिल्कुल स्मूथ और एक जैसा बिल्कुल शो करते हैं। अब बात करते हैं 3rd टाइप ऑफ प्राइमर्स की। तो जो प्राइमर्स होते हैं ये वाले होते हैं
क्रीम बेस्ड प्राइमर और इनकी काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी होती है और ये आपके पोर्स को बहुत अच्छे से कवर कर देते हैं। बात करते हैं नंबर 4 पे जो प्राइमर्स आते हैं और उनमें आता है ऑयल फ्री सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। तो ये प्राइमर जो होते हैं ये ऑयली स्किन और स्पेशली फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, इनके लिए ये प्राइमर होते हैं और एक्नी प्रॉन स्किन जिन गर्ल्स की होती है वो भी इनको यूज़ कर सकती हैं। और ये वाले प्राइमर जो होते हैं ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइमर के टेक्सचर के बारे में। तो प्राइमर के दो ही तरह के टेक्सचर होते हैं, एक होते हैं मैट प्राइमर, पोर फिलिंग मैट प्राइमर जिसे बोला जाता है, और दूसरा होता है ल्यूमिनेटिंग प्राइमर। और ये थोड़े से शिमरी टाइप प्राइमर होते हैं, आप इन्हें शिमरी प्राइमर भी बोल सकते हैं। आपकी स्किन को बड़ी ड्यूई, ग्लोई और बड़ी जो है रेडियंट सी लुक देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्राइमर को अप्लाई कैसे करना है हमने। तो प्राइमर को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसलिए परेशान नहीं होना, प्राइमर को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपने अपना कोई जो भी क्लिंजर है या जो भी फेस वॉश है वो लेना है अच्छे वाला, और उससे अपने फेस को आपने क्लिंज कर लेना है। उसके बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप कोई भी मेकअप कर रहे हैं तो विंटर्स में स्पेशली आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो रही होती है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी स्किन के को थोड़ा सा स्क्रब करें, मतलब फिज़िकल स्क्रबिंग नहीं। फिज़िकल स्क्रबिंग जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, ऐसा डॉक्टर्स भी बोलते हैं, मैं डॉक्टर की हूँ। तो आपको चाहिए कि आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें। तो एक्सफोलिएट करने के लिए जो आपको बेस्ट वे लगे आप उसी से एक्सफोलिएट करें। और आजकल जो एक्सफोलिएट करने के लिए मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उसका मैं इधर कॉर्नर में डाल दूँगी और लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये उसके बाद मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करती हूँ, और मॉइस्चराइज़ करने के लिए जो है मैं क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। फेस के ऊपर अप्लाई करने के बाद आपने अब लगाना है प्राइमर। अब आप प्राइमर लगा सकते हैं। तो प्राइमर लगाने के भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मतलब अब आप बोलेंगे कि इसके पीछे क्या साइंस है जो इसमें भी टिप्स और ट्रिक्स लगा रही है। अगर अप्लाई करना है तो प्राइमर को आपने टैप टैप करके लगाना है, रगड़ना नहीं है क्रीम की तरह, क्योंकि वो क्रीम नहीं है। उसको आपने अपने पोर्स के ऊपर और अपने टी जोन एरिया में सारे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, जहाँ जहाँ पे भी आपको स्वेटिंग होती है या आपको लगता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा यहाँ से जो है बाहर आ रहा है, तो आपने उन जगहों पे अच्छे से जो है उसको कर लेना है और अप्लाई कर लेना है। और अगर आप चाहें तो आप जो है ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर को भी आपने टैप टैप ही करना है अपनी स्किन के ऊपर, तो उससे ही आपकी स्किन में बहुत अच्छे से आपके पोर्स को फिल कर देगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्राइमर किस किस स्किन टाइप के लिए जो है सूटेबल हैं और आपको कहां कहां से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एआज़ो का मैटिफाइंग प्राइमर, जो कि पाकिस्तान में बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको दराज से भी मिल जाएगा, और ये स्पेशली फॉर ऑयली स्किन है और वाटर बेस्ड प्राइमर है। ये पे जो प्राइमर आता है वो है लैक्मी एब्सोल्यूट ब्लर प्राइमर, और ये इंडिया में भी बहुत इजीली अवेलेबल है। पे जो प्राइमर आता है वो है मेबिलिन का बेबी स्किन प्राइमर, तो न्यू बेबी स्किन प्राइमर, और ये भी इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है, और ये ऑयल फ्री प्राइमर है, और ऑयल फ्री होने के साथ साथ आप इसे बोल सकते हैं सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। तो ब्यूटीफाई बाय आमना और सोफिया एशले का प्राइमर जो है ये भी बहुत अच्छे प्राइमर है और मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। जो प्राइमर आता है वो है प्रोफेशनल का प्राइमर, प्रोफेशनल, और ये बेनिफिट का प्राइमर जो कि बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ये प्राइमर नहीं है तो आप प्राइमर यूज़ नहीं कर सकते। तो जी जनाब, ये थी आज की वीडियो, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत जल्दी समर फेस पैक या फेस मास्क, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है और DIY फेस मास्क होगा और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, रब रहा।